तो एक और खूबसूरत सा दिन हो चुका है गाइस अपने लॉस सैंटोस के अंदर। और गाइस आज आप लोग देख रहे होंगे यार, मैंने यार एकदम मस्त तरीके से ब्रांड न्यू कपड़े पहने हुए हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जाने के लिए। वहां पर जाकर गाइस यार आज मेरा दिल खुश होने वाला है। हाँ गाइस यार एक ऐसी जगह है मेरे पास, वहां पर यार जाने का मेरा बचपन से सपना था। मतलब यार बचपन तो मैंने वहीं पर निकाला है, बट यार गाइस यार कितने सालों से यार वहां पर मैं नहीं गया था, इसलिए गाइस यार आज मेरा प्लान बना हुआ है वहां पर जाने का। दरअसल गाइस आपको पता मैं जाने वाला अपने घर वालों से मिलने के लिए, अपने मॉम डैड से। और आपको पता है गाइस यार बचपन में एक टाइम था जब यार वहां पर मैं खेलता था, मस्ती करता था और अपने घर वालों के साथ मस्त तरीके से रहता था यार। बट एक बार गाइस ऐसा हुआ कि गाइस यार मेरा अपने पापा से झगड़ा हो गया, उसके बाद में गाइस यार मुझे मेरे पापा ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद में गाइस आपको क्या ही बताऊं यार, तब से यार गाइस यार मैं अपने घर वालों से मिला नहीं था। मुझे लिटरली गाइस आपको पता है मेरे पापा ने घर से बाहर निकाला और ये कहा कि भाई साहब आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना। बट यार गाइस आपको पता है कल रात को यार लिटरली यार मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा कि फ्रैंकली हम लोग कितने सालों से मिले नहीं है, तुम एक काम कर यार कल के कल यार थोड़ा अच्छा से मिलने के लिए आ जाना। और इसलिए गाइस यार आज मैं रेडी हो चुका अपने घर वालों से मिलने के लिए। आपको पता गाइस यार कितने सालों से मैं अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा था और गाइस आज तो मजा आने वाला है, आज तो लिटरली मैं उनसे मिलने वाला हूँ। आपको गाइस यार कैसे एक्सपीरियंस करके बताओ यार ये खुशी, भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए गाइस यार आज सुबह मैंने सिंचन को काम दिया था अपनी गाड़ी धोने का। अब यार पता नहीं उसने मेरी गाड़ी धोकर रखी है या फिर नहीं, बट यार भाई चौप को तो मैंने ये चीज बताई नहीं, उसको बता देता हूँ। अरे भाई चौप यार तुझे बता आज यार भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब भाई कल में वो तो देख कर पता ही चल रहा है, पर भाई कल में तू खुश क्यों है वो तो बता दे। अरे क्योंकि भाई आज मैं जा रहा हूँ अपने घर वालों से मिलने के लिए। अबे क्या कहा कल अपने घर वालों से मिलने जा रहे, पर क्यों भाई अचानक से? अरे क्योंकि भाई कल रात को मुझे मेरे पापा ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि भाई फ्रैंकली तुम मुझसे मिलने आ जाना। अबे वाह भाई कल ये तो खुशखबर है यार, चल मैं भी आता हूँ। अबे नहीं नहीं भाई चौप तू नहीं आ सकता। अबे क्यों भाई कल मैं क्यों नहीं आ सकता? अरे क्योंकि भाई साहब अगर मैं और सिंचन जाएंगे तो भाई घर का ध्यान कौन रखेगा, अगर भाई हमारे घर के अंदर चोरी वोरी होगी तो। अबे हाँ भाई कल तेरी बात तो सही है यार। अरे वही बोल रहा यार चौप, तो एक काम कर यार फिलहाल के लिए आज के लिए भाई घर का ध्यान रख ले, एक दो दिन बाद मैं और सिंचन आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई कल। वैसे मेरे खाने का क्या? अरे वो तो मैंने ऊपर के कमरे में इंतजाम करके रख दिया है, तुझे भाई जब भी भूख लगे वहां पर जाकर पेडिग्री खा लियो। अच्छा ठीक है यार। वैसे भाई सिंचन है कहां पर? अबे वो तो सुबह से भाई तेरी गाड़ी चमकाने में लगा हुआ है। क्या सच बोल रहा है? अबे बिल्कुल भाई कल मैं जाकर देख ले। अच्छा बिल्कुल मैं अभी जाकर देखता हूँ। गाइस यार तुम लोग देख रहे हो मैंने सिंचन को एक काम दिया था और भाई लिटरली सिंचन मेरा काम भी पूरा कर रहा है। वाह भाई ये भी ना छोटे भाई वाली बात। अरे भाई सिंचन गाड़ी साफ हुई या फिर नहीं? अरे हाँ फ्रेंकली आप तो देख ही सकते हैं यार, मैंने तो आपकी गाड़ी चारों तरफ से चमका दी है। अरे वाह भाई ये भी ना बात। गाइस देख रहे सिंचन ने मेरी जीप को भाई क्या ही चमका दिया है लिटरली। गाइस आपको पता है मेरे पापा को ये भी नहीं पता कि भाई साहब लॉस सैंटोस के अंदर मेरे पास कितना ज्यादा बड़ा घर है। लिटरली मेरे पास 25 या फिर 30 करोड़ का घर तो है ही यार। बट यार भाई यार अभी उनको कैसे बताऊं यार, अब यार यहाँ पर आकर मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। बट यार गाइस यार मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया भी है, एक काम करता हूँ वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले तो भाई यार सिंचन ने अपना काम कर दिया गाड़ी चमकाने का, मैं भी अपना काम करता हूँ यार जाकर फटाफट से मेरे और सिंचन के कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद में भाई जब हम लोग निकलेंगे आपको मेरा वो बढ़िया सा आइडिया बता दूँ, उसका सुनकर तो गाइस आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। वो काम तो गाइस आप लोग भी करना चाहते होंगे कभी ना कभी तो अपने जिंदगी में, वो काम गाइस आज मैं करने वाला हूँ। बट यार पहले तो अपने कपड़े भर लेता बैग में। चलो लेट्स गो गाइस। यार मैंने तो अपने कपड़े भर लिए बैग में और भाई सिंचन के भी दो टाइम के कपड़े भर लिए है। लिटरली यार सिंचन के कपड़े गाइस आपको पता बिल्कुल सेम ही थे। वैसे भाई चौप में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई कल भाई जल्दी आइयो। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो चलो भाई सिंचन निकलता है यहाँ से। अरे हाँ बिल्कुल फ्रेंकली भाई चलो चलो निकलते हैं, अब तो मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। अरे बिल्कुल भाई मुझसे भी नहीं रुका जा रहा है अपने घर वालों से मिलने के लिए। वैसे यार फ्रेंकली भाई काम करेंगे बाद में मेरे मम्मी पापा से भी मिलने चलेंगे। अरे बेलकर बेलकर भाई तेरे घर वालों से भी मिलने चलेंगे भाई, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। नहीं तो एक काम करेंगे भाई जब हम लोग वहां से निकलेंगे वहां से आते आते भाई तेरे घर वालों से मिलेंगे। अच्छा ठीक है यार फ्रेंकली भाई जैसे आपको। तो चलो गाइस यार आपने देखा यार मैं यार सिंचन तो अभी निकल चुका अपने घर वालों से मिलने के लिए। बट यार गाइस यार वो प्लान मैं आपको बताना भूल ही गया था। दरअसल गाइस यार मैं सोच रहा हूँ मेरे जो घर वाले थे वो लोग यार कितने सालों से भाई गाँव में रहकर खेती कर रहे हैं। तो गाइस यार एक काम करूंगा भाई मेरे पापा को बोलूंगा तुम और मम्मी मेरे साथ में चलो अपने लॉस सैंटोस के अंदर, क्योंकि भाई लॉस सैंटोस के अंदर मैंने यार भाई बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चोरियां करके एक तगड़ा सा घर ले लिया है। जैसे गाइस आपको पता होगा यार लॉस सैंटोस के अंदर जब मैं आया था तब मैं अकेला था, उसके बाद में सबसे पहले मुझे मिला माइकल, उसके बाद में मिला लेस्टर, उसके बाद में मिला साइमन। इन तीनों दोस्तों के साथ मिलकर भाई मैंने यार बहुत तगड़े तगड़े कांड कर रखे। उसी के बाद तो गाइस यार मैं इतना तो रिच बन चुका हूँ, नहीं तो यार गाइस यार मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं यार। बट यार ये लोग दिमाग खराब कर रहे हैं यार बार बार बीच बीच में आ रहे हैं, छोड़ो भाई यार ये लोग को। बट यार गाइस यार आज जो मेरा मूड है ना यार इतना बढ़िया हो चुका है, इन लोगों की वजह से खराब हो रहा है यार, बार बार बीच बीच में आ रहा है भाई बिना इंडिकेटर दिए कहीं से भी गाड़ियां गुस्सा रहे। एक सेकंड मैम मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा यार भाई, गुस्सा आ रहा है यार मुझे इस गाड़ी के ऊपर। तो एक काम करूंगा भाई जब मैं अपने पापा को लेकर आऊंगा लॉस सैंटोस के अंदर तब यार उनकी पसंद की एकदम बढ़िया सी सुपर कार खरीदूंगा, क्योंकि भाई उनका भी सपना तो पूरा होना चाहिए। जैसे गाइस यार उन्होंने बचपन में मेरे सपने पूरे किए थे, एक टाइम पे गाइस यार मेरे पास साइकिल नहीं थी, उन्होंने भाई साहब मुझे देखा और यार मुझे पूछा कि भाई फ्रैंकली तुम्हें क्या चाहिए, और गाइस मैंने कहा कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। और गाइस आपको पता लिटरली उन्होंने मुझे साइकिल दिला दी वो भी दूसरे दिन। इसलिए गाइस यार मैं सोच रहा हूं उनको सबसे
पहले लाऊंगा लॉस एंडर्स के अंदर, उसके बाद में भाई उनको दिखाऊंगा मेरे पास कितना ज्यादा बड़ा घर है, फिर तो भाई यार वो खुश हो ही जाएंगे। और उसके बाद गाइस दूसरे दिन जाऊंगा उनको लेकर सैमर के शोरूम के ऊपर, वहां से एकदम बढ़िया सी सुपर कार खरीदूंगा उनके लिए। बट गाइस आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगता है आप यार मुझे जरूर से कमेंट के अंदर बता देना। बट गाइस जब तक मैं अपने गाँव में जाता हूँ, उससे पहले गाइस यार मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने सानिया जी को, इनका बर्थडे था 1 अक्टूबर को। तो सानिया जी आपका बर्थडे अगले महीने में आने वाला है, तो सानिया जी आपका मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने विवेक भाई को, इनका बर्थडे था 16 अक्टूबर को। तो विवेक भाई आपका बर्थडे भी यार अगले महीने में आने वाला है, सर आपको भी मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने डब्बू जी को, इनका बर्थडे था 1 सितंबर को। तो डब्बू भाई आपका बर्थडे आज आने वाला है, सर आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे आपके बर्थडे के लिए। और गाइस आप सभी को ऐसा शाउट आउट चाहिए मेरे वीडियोस के अंदर, तो गाइस यार एक काम कर देना यार अभी का भी वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और यार साथ साथ कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर से लिखना, ताकि गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं अपने वीडियोस के अंदर। बट यार फिलहाल के लिए गाइस यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते मेरे गांव की तरफ, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंचने वाले मेरे घर की तरफ। और यार गाइस आप लोग देख रहे हो यार भाई साहब यहां पर चारों तरफ भाई रेत ही रेत है। यहां पर भाई फिलहाल के लिए जो है ना गाइस ये रेगिस्तान की तरह दिख रहा है, बट यार भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सोच रहा था गाइस यार अपने पापा और मम्मी के लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट लेता जाऊं, बट यार यहाँ पर रास्ते में कोई भी बढ़िया सा शॉप नहीं दिख रहा यार भाई, कोई लिटरली एक फ्रूट वाला भी नहीं दिख रहा, देख रहे हो गाइस यहाँ पर भाई मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। एक क्लोथिंग शॉप होता ना यार तब तो उनके लिए एकदम बढ़िया से कपड़े भी ले लेता, बट यार कपड़े की दुकान भी नहीं है। चलो गाइस कोई बात नहीं, एक काम करूंगा भाई उनके सीधा अपने साथ अपने लॉ सेंटर्स के अंदर ले जाऊंगा। और ये देखा गाइस फाइनली पहुंच चुका अपने मम्मी पापा के घर के पास, और ये देख सकते हो गाइस सामने आई थिंक मेरे मम्मी पापा है। अरे हाँ फ्रेंकली ये तो वही यार आपने बिल्कुल फोटो में दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। अरे हाँ भाई सिंचन तेरे सही कहा यार, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं यार। और ये देखो गाइस मेरे पापा ने कहा था मुझे कॉल पे, हमारे पास फिलहाल के लिए बस दो ही गाय बची हुई है और ये रही वो दोनों के दोनों गाय। और बट यार ये लोग कर क्या रहे हैं पता नहीं यार, लगता है भाई यहाँ पर फार्मिंग कर रहा है। हेलो पापा कैसे हो आप, अरे कौन है मुझे पापा कह के बुला रहा है। अरे पापा मैं यार फ्रैंकलिन। क्या कहा फ्रैंकलिन तुम आ गए? अरे बिल्कुल पापा आ गए यार, जरा उठा था सही। अरे हाँ फ्रैंकलिन उठ गया यार, बट यार मुझे एक बात बता यार तुम यहाँ पर कब आए? अरे वो तो पापा बिल्कुल अभी आया, कल रात को आपने मुझे कॉल किया था ना। क्या कहा मैंने तुम्हें कल कॉल किया था? अरे बिल्कुल पापा आपने मुझे कल कॉल किया था, भूल गए? अरे हाँ भूल गया होगा यार, मेरी थोड़ी याददाश्त कम हो गई है ना। अरे क्या पापा अब यार आपकी उम्र हो गई है, ये सब छोड़ो यार, यहाँ पर खेती वेती करना, आप एक काम करो सीधा मेरे साथ लॉस सेंटर्स के अंदर चलो, वहां पर आपको जो चाहिए सब कुछ दिला दूंगा मैं। क्या कहा जो चाहिए सब कुछ दिला दोगे? अरे बिल्कुल पापा, क्योंकि यार आपको पता नहीं है क्या अभी यार मैं बन चुका लॉस सेंटर्स का बॉस दामिर इंसान, आपको तो पता ही होगा यार मेरे पास बहुत सारे पैसे है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिलहाल के लिए तुम्हारे पास कितने पैसे वो तो बता दो। मेरे पास होंगे कुछ 50-60 लाख रुपए। अरे वाह यार ये तो बढ़िया बात है फ्रैंकलिन, बट यार फ्रैंकलिन दिक्कत की बात है। अरे कौन सी दिक्कत की बात है पापा? अरे यार फ्रैंकलिन मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता, बट यार एक बात है यार आज तुम आए ना यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अरे कोई बात नहीं पापा, वैसे यार ये देखो यार ये रहा सिंचन मेरे पीछे खड़ा है। अरे वाह सिंचन मेरे प्यारे बच्चे कैसे तुम? अंकल जी मैं तो एकदम बढ़िया हूँ यार, आपकी तबीयत कैसी अभी? अरे बच्चे मेरी तबीयत तो एकदम बढ़िया है, तुम दोनों एक काम करो यार फ्रेश हो जाओ और घर में अपनी बैग रख दो और यार तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए चाय बना देगी। अरे हाँ पापा वो तो सही है, बट यार मम्मी कुछ बात क्यों नहीं कर रही? अरे वो तो आज तुम्हारी मम्मी का मौन व्रत है ना इसलिए। अबे यार क्या पापा जी आप भी, चलो कोई बात नहीं, वैसे यार हम लोग अभी 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तब यार मम्मी से बात कर लूंगा बाद में। आप एक काम करो यार ये सब कुछ छोड़ो, हमारे साथ घर में चलो, मस्त तरीके से बातें बातें करेंगे। अरे नहीं फ्रैंकलिन कैसे बताओ तुम्हें, मैं मेरे पीछे फिलहाल के लिए फौज का काम है इसलिए यार इस काम को मैं फिलहाल के लिए छोड़ नहीं सकता। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, चलो कोई बात नहीं पापा। वैसे यार ये दोनों के दोनों गाय कौन सी है? अरे फ्रैंकलिन तुम्हें पता नहीं क्या, पहले हमारे पास 10-10 गाय हुआ करती थी, बट यार धीरे धीरे क्या करूं यार मुझे अपनी गाय बेचनी पड़ी। पर क्यों पापा? अरे वो तो फ्रैंकली मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक यार मत बताओ, बट यार गाइस ऐसा लगता है मेरे पापा ने सारी की सारी गाय बेच दी, उसका मतलब है गाइस यार उनके पास पैसों की कमी होगी। अबे यार मेरे पापा भी ना यार अपनी पैसों की दिक्कत मुझसे क्यों छुपा रहे हैं, मैं हूं ना यार, मैं उनकी सारी की सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकता हूं। चलो कोई बात नहीं गाइस, थोड़ी देर बाद यार उनसे वापस से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा भाई साहब और क्या कर सकता हूं। वैसे भाई सिंचन आज यार तुझे दिखाता हूं यहां पर क्या क्या है, ये देख भाई सिंचन ये रहा हमारा बचपन का घर, यहां पर मैं मेरे पापा मेरे चाचा रहा करते थे, बट यार जब से मेरे चाचा भाई बिल्डिंग के अंदर रहने चले गए उसके बाद से भाई यहाँ पर मेरे मम्मी पापा अकेले रहते होंगे। अरे भाई आपका घर तो बहुत ज्यादा बढ़िया यार। अरे बिल्कुल भाई घर तो बढ़िया है, और ये देख भाई बिल्कुल हमारे घर के पीछे की तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पर भाई मैं रोज सुबह नहाने जाया करता था। अरे क्या रोज सुबह नहाने आते थे, तब तो यार आपके मजे होंगे। अरे बिल्कुल भाई मजे तो थे यार। आ जा भाई सिंचन तुझे और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाता हूँ। अरे हाँ चलो चलो यार मुझसे अभी रुका नहीं जा रहा, मुझे तो देखना ही है। अरे बिल्कुल भाई आ जा आ जा, आओ गाइस यार सिंचन को अभी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ जो यार मैं बचपन में किया करता था यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, हमारे सारे लोगों ने हमारे
तुम्हारे पैसे लौटाए या फिर नहीं? अरे हाँ बॉस, सभी ने तो पैसे लौटा दिए है, बट एक इंसान है जिसने अभी तक हमारे सारे पैसे नहीं लौटाए। अरे कौन है वो हराम कौर जिसने हमारे पैसे अभी तक लौटाए नहीं है? अरे बॉस, उसका नाम है मिस्टर क्लिंटन। अच्छा, वो मिस्टर क्लिंटन वो बुड्ढा जो अपनी बीवी के साथ यहाँ पर गाँव में रहता है? अरे बिल्कुल बिल्कुल बॉस, उसने हमसे 10 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, अभी तक उसने हमारे पैसे लौटाए नहीं है, वो तो बस अभी तक हमारा इंटरेस्ट ही भरते जा रहा है। अरे यार, ये मिस्टर क्लिंटन भी ना, ये गया आज हमारे हाथों से, इसको आज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, फटाफट से बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, आज उसके पास जाएंगे और हमारे सारे के सारे पैसे लेकर आएंगे। अगर यार कुछ दिनों बाद वो मर गया तब तो यार वो हमारे पैसे लौटा भी नहीं पाएगा। अरे हाँ बॉस, आपने बिल्कुल सही कहा यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आज हमें जाकर हमारे सारे पैसे लेकर आने पड़ेंगे, नहीं तो यार वो लॉस सेंटर छोड़कर भाग भी जा सकता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही कहा, अभी जाएंगे उस क्लिंटन के पास और साले की कॉलर पकड़ के हमारे सारे के सारे पैसे लेकर आएंगे। अगर उसने हमारे पैसे नहीं दिए यार, तुम लोग अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है बॉस, जैसे आपको, आज हमारा सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देंगे और साले उस बुड्ढे को छोड़ेंगे नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बचना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे 10 करोड़ रुपए ना दिए, अगर नहीं दिए, तो एक काम कर सकते, हम लोग उसके घर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, तब तो यार वो रास्ते के ऊपर आ जाएगा। यही है ना उसका घर? अरे बिल्कुल बॉस, यही उस मिस्टर क्लिंटन का घर। अबे जाकर साले को पकड़ते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ फटाफट से कार के बाहर। ये देखो, यहाँ पर सामने खड़ा है मिस्टर क्लिंटन, आ जाओ फटाफट से मेरे साथ। अरे बिल्कुल बॉस, हम लोग आपके पीछे ही है। अच्छा ठीक है। हेलो मिस्टर क्लिंटन, कैसे हो आप? एक सेकंड। अरे डगन बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो तो मिस्टर क्लिंटन, हम लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, आपके हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि हमें सुनाई पड़ा कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा ठीक है, बट यार आपने यहाँ पर आने की इतनी ज्यादा मेहनत क्यों ली? पर अगर मुझे कॉल करके बुला लेते मिस्टर डगन बॉस, तब तो यार मैं खुद ही वहाँ पर आ जाता। अरे नहीं नहीं मिस्टर क्लिंटन, आप फिक्र क्यों करते हो, हम लोग आज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम से आए थे। क्या कहा, इम्पोर्टेंट काम? कौन सा काम है जरा मुझे बताओगे? अरे हाँ बिल्कुल बताएंगे। अरे चलो मेरे चेलो फटाफट से काम करो, अपने हथियार निकालो बाहर। अच्छा ठीक है बॉस, अभी निकालते हैं। और यार इस बुड्ढे के सर के ऊपर तान दो, आज ये बुड्ढा बचना नहीं चाहिए हमारे हाथों से। अरे बिल्कुल बॉस, अभी निकालते हैं, अपने गाड़ी से लेकर आते हैं अपने AK-47। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे क्या करने वाले तुम लोग मेरे साथ में, प्लीज मुझे छोड़ दो यार, ऐसे मत करो मेरे साथ में, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं मिस्टर क्लिंटन, फिकर क्यों करते हो, मैं हूं आपके साथ में, आज यार मैं आपसे अपने सारे के सारे पैसे ले जाऊंगा। क्या कहा, सारे पैसे? मतलब 10 करोड़ रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं किसी भी हालत में आपसे वो सारे के सारे पैसे निकालवा लूंगा, नहीं तो आपकी जान ले लूंगा। और यार फ्रेंकली, आप क्या क्या करते थे जरा बताओ ना मुझे। अरे तब तो हम लोग मस्त तरीके से खेलते थे। एक सेकंड भाई, मुझे लगा मेरे पापा के कुछ दोस्त मिलने के लिए आए होंगे। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पर पीछे ड्रामा? अरे क्या हो गया फ्रेंकली भैया? अरे यहाँ पर आ जाओ भाई, सिंचा पता नहीं क्या चल रहा है। अरे एक सेकंड पापा, आप नीचे क्यों बैठे घुटनों के ऊपर? अरे वो फ्रेंकलिन फ्रेंकलिन फ्रेंकलिन, तुम एक काम करो, यहाँ से वापस लॉस एंडर्स के अंदर चले जाओ, ये सब कुछ हम लोग देख लेंगे। अरे नहीं नहीं पापा, मुझे बताओ यार आप नीचे क्यों बैठे हो और मम्मी रो क्यों रही है? अरे मैं बताता तुम्हें, तुम्हारे पापा ने यार जब तुम्हारी बहन की शादी करनी थी, यार हमसे 10 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा था, उसके बाद से यार पूरे 5 साल बीत गए, अभी तक यार तुम्हारे पापा ने उस 10 करोड़ रुपए से 1 रुपए भी नहीं लौटाया मैं। अरे वो डगन बॉस, लौटा दूंगा ना यार, मैं यहाँ पर यार कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद में भी यार पैसे नहीं आ रहे, तब यार आप भी बताओ यार मैं क्या करूँ। अरे यार पापा, आपने मुझे बताया नहीं था आपने 10 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, यार अगर आपने मुझे कुछ टाइम पहले बता दिया होता तो यार मैं आपका सारा का सारा कर्जा मिटा देता। क्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे? अरे भाई तुझे पता नहीं क्या, मैं बहुत ज्यादा अमीर इंसान हूँ और यार मैं इनका बेटा भी हूँ। अरे जाओ यार, पागल क्यों बना रहे हो हमें, तुम्हारा बाप यहाँ पर कर्जा ले रहा है और यार तुम मुझे बता रहे हो तुम बहुत ज्यादा अमीर इंसान हो, जाओ जाओ पागल मैं बना मुझे। अब यार भाई तुझे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, पहले तो तू मेरे पापा को छोड़ दे, उसके बाद में भाई तू मेरे ऊपर भरोसा रख यार, मैं तेरे सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। अब तक तो भाई यार मुझे पता नहीं था कि भाई मेरे पापा ने इतना बड़ा कर्जा ले रखा है, अब भाई मुझे पता चल गया ना यार, मैं तेरे खुद पैसे लौटा दूंगा। अरे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं है, जैसा बाप ऐसा ही बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे है तब तो यार अभी क्या भी मेरे पैसे दो, नहीं तो यार यहाँ से मैं जाने नहीं वाला, और अगर अभी मेरा और भी दिमाग खराब हो गया तब तो यार मैं तुम्हारे पापा की पिटाई कर दूंगा, या फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर सीधा इस बुड्ढे के खोपड़ी में गोलियां चला दूंगा। अबे यार भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, भाई दिमाग मत खराब कर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना भाई तुझे और भाई तेरे सारे के सारे सिक्योरिटी को मार दूंगा यहाँ पर। अच्छा हाथ तो लगाकर बताओ, तुम्हें देख नहीं रहा क्या मेरे सिक्योरिटी के हाथ में AK-47 है? AK-47? अबे हाँ यार वो तो देख पा रहा हूँ, बट यार भाई तू कभी ना कभी तो मुझे मिलेगा ना। अरे जाओ जाओ, पहले पैसे लेकर आओ फिर अपने बाप को छुड़ाना। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुझे बताता हूँ, अभी बस भाई 1 घंटे के अंदर अपने पैसे लेकर आऊंगा, वो पैसे भाई तेरे मुंह के ऊपर मारूंगा अभी मैं। अच्छा ठीक है जाओ लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ, आ जा भाई चल मेरे साथ में चल, अभी इन लोगों को दिखाता हूँ भाई सब कैसे पैसे लेकर आ सकता हूँ मैं, बट यार फ्रेंकली हम लोग पैसे कहाँ से लेंगे। अरे तू फिक्र क्यों करता भाई, मैं हूं ना यार, मैं किसी भी
भारत में कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा, बट यार आपको पैसे जमा करने तो आपको यार तगड़ी वाली चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यार 10 करोड़ की अमाउंट छोटी नहीं है। अरे हाँ भाई बात तो सही है यार, बट यार भाई कोई ना कोई तो रास्ता होगा यार। एक सेकंड, रास्ता मिल गया, क्या कर रास्ता मिल गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये देख यार, यहाँ पर मैंने सुना है भाई तगड़ी वाली स्विमिंग कॉम्पिटिशन होती है, तब तो भाई हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसी स्विमिंग कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके बाद में भाई पार्टिसिपेट करने के बाद अगर मैं जीत जाता हूँ तब तो यार भाई मुझे विनिंग प्राइज मिल सकती है। बट यार वहाँ पर पूछो तो सही विनिंग प्राइज कितनी है। अरे हाँ भाई वो तो बोल ही गया। आओ गाइस यार पहले यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम कौन हो जरा बताओगे मुझे? अरे सर मेरा नाम है फ्रैंकलिन लैंटन, और यार मैं सोच रहा था इस रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लूँ, अगर यहाँ पर मेरे लिए कोई स्लॉट खाली हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक स्लॉट खाली है हमारे पास फिलहाल के लिए, अगर तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। अरे वाह भाई, थैंक यू सो मच यार। अरे पहले नीचे उठ रहे यार, ऊपर कहाँ चढ़ रहे हो? अरे सर वो तो खुशी में। अरे ठीक है, तो बता यार तुम्हारे पास अभी कितने पैसे है? मेरे पास होंगे कुछ 50 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, 50 लाख रुपए ना, तो एक काम करो 10 लाख रुपए मुझे दे दो, और अगर तुम जीत जाते हो तो उसके बदले हम लोग तुम्हें देंगे पूरे पूरे 50 करोड़ रुपए। क्यों कहा 50 करोड़ रुपए बस 10 लाख रुपए के बदले? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर अगर तुम जीत जाते हो तो। अरे हाँ सर जीतूंगा जीतूंगा, फिक्र मत करो। तो बता अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ पेपर के ऊपर सिग्नेचर करनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा ठीक है सर, अभी करता, बताओ कहाँ पर करनी है? ये देखो यहाँ पर कोने में करनी है। अच्छा ठीक है सर, तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो यार, ये जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन है इसके अंदर मैंने कर लिया पार्टिसिपेट, और अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई ये रेसिंग कॉम्पिटिशन बस अभी चालू होने वाली है। और गाइस आप लोग देख सकते हो भाई मेरे साथ साथ भाई यहाँ पर कितने सारे लोग आ चुके हैं यार पार्टिसिपेट करने के लिए, बट यार ये बस कोई स्विमिंग कॉम्पिटिशन नहीं होने वाली, आगे जाकर हमें साइकिल चलानी है, रेसिंग कॉम्पिटिशन करनी है, मतलब यार एक ही रेस के अंदर तीन तीन टाइप की रेस करने वाली है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार, अब बस भाई मजा आने वाला है, चलो चलते पड़ा से लेट्स गो। हाँ फ्रेंकलिन भाई जाओ जाओ मजे करके आना, अरे जीत कर आना। अरे हाँ भाई जीत करता हूँ, बट यार ये मजे करने का क्या कॉन्सेप्ट है वो तो मुझे भी नहीं पता। बट यार गाइस वो सब छोड़ो, फिलहाल के लिए जो मेरी पोजीशन है वो है अभी फिलहाल के लिए 7th नंबर पे, आप लोग देख सकते हो गाइस राइट साइड कॉर्नर में, मतलब बॉटम पे। तो अभी मैं हूँ 6th नंबर पे, मुझे जाना है गाइस और 1st नंबर के ऊपर, तो फटाफट से जाते अपने अगले चेक पॉइंट के ऊपर और भाई कंप्लीट करते हैं इस रेसिंग कॉम्पिटिशन को। और गाइस आप लोग देख सकते हो भाई यार हम लोग न्यूज चैनल के ऊपर भी आ रहे हैं, भाई मजा आ रहा है यार, और लिटरली चलो 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 लेट्स गो भाई 6th नंबर के ऊपर मैं, मुझे जाना भाई लिटरली 1st नंबर के ऊपर। आई होप कि गाइस यार मैं इस रेसिंग कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ, अगर गाइस यार मैं 1st नंबर के ऊपर आता हूँ तब मिलेंगे 50 करोड़, अगर 2nd नंबर पे आता तब मिलेगी टीवी, और अगर 3rd नंबर पे आता तब गाइस मुझे मिलेगी साइकिल। तो गाइस यार आपको पता ही होगा यार मुझे आना अभी 1st नंबर के ऊपर, इसलिए गाइस यार जैसे तैसे मेहनत करके मैं जाऊँगा 1st नंबर के ऊपर, और वहाँ पर किनारे के ऊपर जाकर मुझे लेनी पड़ेगी साइकिल, और अंदर जाकर मुझे खतरनाक तरीके से राउंड भी मारना होगा, इसलिए फटाफट से स्विमिंग करते हैं यार, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर जा रही है। लेट्स गो चलो भाई फटाफट से चलना होगा यार, और भाई बीच बीच में थकान भी लग रही है यार। गाइस अगर मैंने इससे पहले स्विमिंग करने की प्रैक्टिस कर ली होती तब तो गाइस यार मजा आ जाता यार, बट यार भाई फिलहाल के लिए फटाफट से लेट्स गो भाई। मेरे आगे और 5 लोग स्विमिंग कर रहे हैं, और ये लोग तो भाई धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं यार, किसी भी हालत में मुझे फटाफट से आगे जाना पड़ेगा। बट यार गाइस आप लोग चाहते हैं मैं इस रेसिंग कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ यार, और पूरे पूरे 50 करोड़ रुपए अपने नाम के ऊपर कर लूँ, और भाई अपने पापा को भी बचा लूँ। तो एक काम कर दो गाइस यार, अभी का वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट के अंदर फ्रैंकलिन लो भी स्पैम कर देना, ताकि गाइस यार मेरा हौसला बढ़ सके, और गाइस यार मैं जल्द से जल्द इस रेसिंग कॉम्पिटिशन को जीत सकूं। तो गाइस यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूं किनारे के ऊपर, और तुम लोग देख सकते हो गाइस यार मेरे सामने भाई लिटरली 3 लोग, मतलब यार 2 लोग भाग रहे हैं, और मैं हूं 3rd पोजीशन के ऊपर। यहां से अपनी फटाफट से साइकिल लेते हैं और भगाते हैं, लेट्स गो, चला चला लेट्स गो। आई होप कि गाइस यार मैं जीत जाऊं, बट यार मुझे अभी फटाफट से अपनी साइकिल को भगानी पड़ेगी। अबे चलना भाई जल्दी चल जाए, साइकिल दिमाग खराब कर रही है यार। बट यार लिटरली गाइस आपको पता है यार मेरे सामने यार कितने सारे लोग जा रहे हैं, और भाई मेरे अंदर अभी ताकत ही नहीं बची यार स्विमिंग करने के बाद से, भाई साहब यार मुझे जल्दी पकानी पड़ेगी। लेट्स गो यार जल्दी 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 जल्दी, 40 के ऊपर जा नहीं रही यार इस साइकिल की स्पीड। अबे यार मैंने कोई घटिया सी साइकिल तो नहीं उठा ली? अबे चलो भाई कोई बात नहीं, फटाफट से भगाता हूँ, चलो 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 लेट्स गो। और भाई फटाफट से निकलते हैं, और भाई तुम लोग ये देखो भाई यहाँ पर तो भाई फोटोज निकालने के लिए लोग भी खड़े हैं, पता नहीं भाई क्या सीन है। बट यहाँ से राइट मारना है, और गाइस मुझे ऐसा लगता है हमें और 2-3 राउंड मारने पड़ेंगे, पता नहीं भाई कितने मारने पड़ेंगे। बट यार इसके बाद में भाई हमें एक बार हमें रनिंग कॉम्पिटिशन भी करनी पड़ेगी, अब यार पता नहीं गाइस यार उसके अंदर भी मैं जीत पाऊंगा या फिर नहीं। बट यार चलो गाइस यार अपना 100% ट्राई करूंगा और जीतने के लिए ट्राई करूंगा। बट यार फिलहाल के लिए गाइस यार जो मेरी पोजीशन है वो हो चुकी 7th नंबर के ऊपर। अब यार पता नहीं भाई क्या होगा, मेरे पीछे और एक बंदा, ये देखो भाई ये भी थका आ रहा है और मैं भी थका हुआ हूँ यार। बट यार चलो भाई थोड़ा और तेज और तेज और तेज, भाई चल यार भाग जा साइकिल। भाई यार कोई बाइक की रेसिंग कॉम्पिटिशन होती ना तब तो यार मैं ऐसे चुटकी बजाते जीत जाता, बट यार साइकिलिंग यार पता नहीं दिमाग खराब कर देती यार। बट यार चलो लेट्स गो, वहां पर आगे की तरफ जाना है, और पता नहीं मुझे और एक बार राउंड मार रहा है या फिर नहीं, वो तो यार वहीं पर जाकर पता चलेगा। चलो 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 लेट्स गो फ्रैंकलिन, जल्दी 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 फ्रैंकलिन जल्दी भगा ले।
रहे अपनी साइकिल को। आई थिंक अभी वो रनिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाले आगे से। तो चलो गाइस लेट्स गो, भगाते अपनी साइकिल को। चलो 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 आई थिंक यार पहुंच जाऊंगा मैं। चलो 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 जल्दी यार। तो गाइस अभी मेरी थकान तो खत्म हो चुकी है, अब यार भगा रहा हूं मैं अपनी साइकिल को फुल स्पीड में। तुम लोग देखो भाई मजा आ रहा है यार, अब चली गई ना भाई 60 के ऊपर, अब मजा आएगा। लेट्स गो चलते हैं और यहाँ पर अपनी साइकिल पार्क करनी है। अब चलो गाइस यार मुझे एक बार रनिंग कॉम्पिटिशन करनी है, मतलब यार रेसिंग कॉम्पिटिशन। ये देखो भाई सभी लोग कैसे कैसे भाग रहे हैं। और यार ये देखो गाइस पहले तो इन लोगों ने साइकिल भगा ली और अभी मुझे भागता हुआ देखकर ये लोग भी भागने लग गए। बट यार अभी मैं तो भाई किसी भी हालत में भाग कर जीतने वाला हूँ, तुम लोग बस देखो यार। लेट्स गो चलो भाई इनको पड़ाचे मार कर पीछे कर दो चीटिंग करके। चलो भाई एक बार कर ही देता हूँ इस बंदे को, एक बार एक घूसा मारू क्या? नहीं भाई नहीं मार सकता, अगर भाई मैंने ऐसा कुछ कर दिया तब तो गाइस यार मैं हार जाऊंगा, वो नहीं कर सकता। बट यार भाई मुझे किसी भी हालत में फर्स्ट नंबर के ऊपर आना। एक सेकेंड कोई और चला गया, अब यार हो गई ना गलती। अब यार ऐसा लगता है गाइस यार मैं हो गया हूँ सेकंड नंबर के ऊपर। मुझे भाई टीवी किसी काम की नहीं है यार, मुझे चाहिए थे भाई साहब वो सारे के सारे 50 करोड़ रुपए। बट यार इस सेकंड नंबर के ऊपर अगर कोई फायदा नहीं गाइस यार, मुझे आना था फर्स्ट नंबर के ऊपर। अब यार क्या करूं गाइस यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। छोड़ो यार इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक दी थी, बट यार इस कोल्ड ड्रिंक का क्या ही फायदा यार। छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, मुझे अभी वापस से सिंचन के पास जाना पड़ेगा। चलो भाई चलता सिंचन के पास। और अभी सिंचन के पास जाकर भी क्या कहूंगा यार कि भाई साहब मैं सेकंड नंबर के ऊपर आया हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे किसी भी हालत में 10 करोड़ रुपए का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। लगता है गाइस यार अब मुझे कहीं ना कहीं से चोरी तो करनी पड़ेगी, बट यार कहां पर चोरी करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलो भाई कोई बात नहीं, पहले तो सिंचन के पास चलता हूं और उसी से अभी कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढता हूं यार। आई होप कि गाइस यार सिंचन के पास कोई ना कोई रास्ता हो यार मुझे जिताने का। चलो चलो लेट्स गो। ये देखो भाई ये यहां पर अकेला खड़ा है। हेलो भाई सिंचन, ये देख भाई मैं आ गया। क्या कहा फ्रेंडली में आगे 50 करोड़ रुपए लेकर आ रहे? 50 नहीं भाई, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे। अरे क्या कहा कुछ भी नहीं मिला? वैसे यार आपका रैंक क्या था? अरे भाई मैं आया था सेकंड नंबर पे भाई, लिटरली पता है मैंने अपनी जान लगाकर भाई मैंने इस रेसिंग को जीतने के लिए ट्राई किया। अब यार तू ही बता भाई मैं क्या करूं। अरे यार फ्रेंकली भाई हम लोग कैसे बचाएंगे आपके मम्मी पापा को? अरे वही तो भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार, भाई बड़ी तगड़ी मुसीबत में फंस गया यार, अब मैं क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है गाइस यार मैंने उस बंदे को कहा ना मैं 1 घंटे के अंदर पैसे लेकर आऊंगा, अब मुझे नहीं लगता भाई मेरे पास इतने सारे पैसे आ पाएंगे। अब तो पता नहीं भाई मैं अपने घर वालों को बचा पाऊंगा या फिर नहीं। अरे क्या हो गया बच्चे, तुम कोई मुसीबत में फंसे हो? अरे कौन बोला भाई? अरे मैं बोल रहा हूँ, ये फ्रूट शॉप वाला। क्या कहा तुम बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम कोई मुसीबत में फंसे हो? अरे हाँ भाई मैं तो एक मुसीबत में फंसा हूँ। बट यार भाई तू ऐसे क्यों दिख रहा है? अरे वो तो मैं पैनी वाइस हूँ ना इसलिए। क्या कहा पैनी वाइस, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे हाँ मैं यहीं पर फ्रूट्स बेचता हूँ आजकल, मैंने गलत काम बंद कर दिया अभी। क्या सच बोल रहा है? अरे बिल्कुल यार, वैसे यार तू फ्रैंकलिन हो ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं वही एवेंजर्स के साथ रहता था, वही फ्रैंकलिन हूँ। अरे वाह फ्रैंकलिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे यार तुम कौन सी मुसीबत में फंसे हो? अरे वो तो भाई तुझे कैसे बताऊं यार, बस इतना बता सकता हूँ भाई मेरे पापा को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है और वो चाहते मैं उनको 10 करोड़ रुपए दे दूं। क्या कहा बस इतनी सी बात? क्या कहा इतनी सी बात भाई, तुझे पता है 10 करोड़ कितनी अमाउंट है? अरे रुको अभी तुम्हें देता हूँ 10 करोड़ रुपए। क्या सच बोल रहा है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ओम ब्रेम श्रेम, यहाँ पर मैजिकल वाटर आ जाए, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ये देखो यहाँ पर अभी एक बॉटल आ चुकी है, इसके अंदर से एक ग्लास के अंदर पानी निकाल लो और इस पानी को फटाफट से पी लो। क्या कहा पानी को पी लो? अगर भाई इसके अंदर जहर हुआ तो? अरे यार फ्रैंकलिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस इस पानी को पी लो, इसके बाद में तुम्हें मजे आएंगे मजे। अच्छा ठीक है भाई तू बोल रहा तो पी रहा हूँ, बट यार भाई अगर कुछ दिक्कत हुई ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन फिक्र मत करो, बस इसको पी लो। अच्छा ठीक है मैं अभी पीकर देखता हूँ। चलो यार फ्रैंकलिन मैं भी पीऊंगा। अरे तो चुप बैठना भाई, पीने दे जरा मुझे, पता नहीं भाई क्या हुआ इसके अंदर। चलो भाई ये पानी तो मैंने पी लिया, बट यार भाई पहनी वैसे अभी तो कुछ हुआ नहीं यार, पैसे कहाँ पर है? अरे जरा अपने आस पास देखो, तुम्हारे अंदर से भी बिल्कुल वही रोशनी आ रही जो पानी के अंदर से आ रही थी। क्या सच बोल रहा है सिंचन ये? अरे हाँ फ्रैंकलिन पेनी वाइज तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार, आपके अंदर से तो वही धुआ रहा है। अरे हाँ भाई यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से वो धुआ रहा है, बट यार भाई पेनी वाइज इसका काम क्या है? अरे हाँ फ्रैंकलिन बता दो, आप अपने मन के अंदर कोई भी चीज सोच लो, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्या सच बोल रहा है? अरे बिल्कुल यार सोच लो। अच्छा ठीक है मैं अभी सोचता हूँ। क्या सोच यार समझ नहीं आ रहा, रुको भाई बहुत सारा गोल्ड सोच कर देखता हूँ, क्या पता भाई आ जाए। तो चलो भाई एक काम करो, यहाँ पर अभी मेरे सामने बहुत सारा गोल्ड आ जाए। और आएगा क्या गोल्ड आ गया गाइस, तुम लोग ये देखो भाई लिटरली यहाँ पर कितना सारा गोल्ड आ गया। हाँ यार फ्रैंकलिन गोल्ड तो आ गया यार, बट ये कैसे पॉसिबल है वो तो पता नहीं यार। बट यार भाई पेनीवाइज थैंक यू सो मच यार, तूने जो मुझे मैजिकल वाटर पिलाया ना भाई, ये तो बड़ा काम का है। अरे हाँ फ्रैंकलिन जाकर मजे करो, इन पावर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके और जाकर अपने पापा को बचा लो। अरे हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाकर बचा दू, बट अरे सबसे पहले एकदम बढ़िया सी कार भी मंगवा दू। तो चलो भाभी एक काम करो, यहाँ पर अभी एकदम बढ़िया सी गोल्ड की सुपर कार आ जाए। और ये देखो गाइस, लिटरली हमारे सामने आ चुकी एकदम बढ़िया सी ब्रांड न्यू गोल्ड की सुपर कार। अरे वाह भाई मजा आ गया, आजा आजा बैठ जा भाई, जिन चलते पड़ा चाह हमारे घर पे। हाँ चलो यार, अब तो मजा आएगा यार। वो जो गुंडा आपको सुबह धमकी दे रहा था और आपके और साथ ही साथ आपके पापा को भी डरा रहा था, उसकी तो आज हम लोग बढ़िया तरीके से मजे लेंगे। अरे हाँ भाई तेरे सही कहा यार, अभी उसका जागर दिखाते हम लोग कितने ज्यादा अमीर है। ये देख भाई अभी तक उसकी कार यहीं पर खड़ी है, अभी उसका जागर दिखाते हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ चलो चलो, अब तो मजा आएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हेलो डगन बॉस, कैसे हो आप? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वैसे तुम पैसे लेकर आ गए? अरे बिल्कुल लेकर आ गया भाई, अभी तुम्हें दिखा दो। चलो भाई एक काम करो, यहाँ पर अभी पड़ा 100 करोड़ रुपए आ जाए। अरे एक सेकंड यार, यहाँ पर तो सच में इतने सारे पैसे आ गए? अरे हाँ बिल्कुल भाई, वो तो मुझे पता है। अब चल भाई एक काम कर, पड़ा 100 करोड़ रुपए उठा और भाई निकल जाए यहाँ से। बट यार मुझे तो 10 करोड़ रुपए चाहिए थे। अरे वो तो बाकी के 90 करोड़ में तुझे भीख में दे रहा हूँ, जो की आज सुबह से आकर तुझे ड्रामा कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई तू भिखारी है। अरे यार तुमने मुझे भिखारी कहा? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्योंकि यार तू मेरे सामने गरीबी तो लगता है। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं यार, तुम इतने ज्यादा पैसे मुझे मुफ्त में दे ही रहे हो तो यार मैं खुद को भिखारी भी बुलवा सकता हूँ। अरे वाह भाई ये भी नवाज। चलो भाई अभी फटाफट से मेरे पापा को छोड़ दे और भाई निकल जाए यहाँ से। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकलिन। तो चलो गाइस अभी ये डगन बॉस तो जा रहा है, अब तुम लोग देखो यार मैं अपने घर वालों को क्या क्या मंगवा कर देता हूँ। बट यार पहले वो गया या फिर चला गया? अरे वाह भाई तो क्या ही तेजी में चला गया यार। बट यार वो सब छोड़ो गाइस, अब तुम लोग देखो यार मैं क्या करता हूँ। चलो भाई एक काम करो, यहाँ पर अभी ढेर सारी महंगी महंगी कार्स आ जाए, बहुत सारा गोल्ड डायमंड और भाई बहुत सारे पैसे आ जाए। और ये देखो गाइस यहाँ पर आ चुका है ढेर सारा गोल्ड डायमंड और भाई कितने सारे पैसे है। तो पापा भी आप खुश है ना? अरे हाँ फ्रैंकली मैं खुश तो यार, बट यार तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, गोल्ड डायमंड, महंगी महंगी गाड़ियां कहाँ से आई? अरे वो सब आप छोड़ो, आपके लिए यार मैं एकदम बढ़िया सा प्यारा सा बड़ा सा मैंशन भी बनाऊंगा, आप बस देखते रहना, वो भी लॉस सेंटर्स के अंदर। क्या कहा, सच बोल रहे हो फ्रैंकलिन? अरे बिल्कुल यार, अब ये गरीबी के दिन खत्म हुए, अब हम लोग बन चुके हैं बॉस द अमीर। हाँ फ्रैंकलिन भैया के पापा अपने, अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया के पापा अपने बिल्कुल सही सुना, अब हम लोग बन चुके हैं बॉस द अमीर। अब यार आप देखना यार, हम लोग पूरे लॉस सेंटर्स के ऊपर राज करेंगे। अरे बिल्कुल सिंचाई दिल्ली सही कहा गाइस, आपने देखा यार मैंने अपने मम्मी पापा की जिंदगी तो बदल दी। अगर आप लोग भी अपने घर वालों की जिंदगी बदलना चाहते हो तो उसके लिए यार आपको इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। और चलो गाइस यार आज के वीडियो बस इतना ही, मैं और सिंचाई मिलते आ रहे हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।